और फिर बड़ा पांडाल, फिर उस पर एक माइक, फिर ये टेलीविजन और मीडिया, फिर उस पर रैंप और फिर शिवराज जी का उस पर रैंप वॉक। आप ये देखो कि उस बहना को 1000 रुपए दूंगा और फिर गैस के सिलेंडर पे वापस 1100 रुपए लूंगा, 250 रुपए। नाटा जी, बालकृष्ण भैया, कौन सी मंदसौर की ऐसी दुकान है शुद्ध जिसमें अच्छी और सच्ची मिठाई 250 रुपए किलो आ जाए, बता दो जरा। सेंटर इसी मंदसौर के अंदर चलता है, जो मल्हारगढ़ के, जो मल्हारगढ़ की मुख्य मार्ग से होते हुए मंत्री जी के नेतृत्व में डोडा चूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चलता है, वो नशे के कारोबार के अंदर, वो माफिया तक जो शराब माफिया के साथ मिलकर लोगों की हत्याएं करने के काम करते हैं, ऐसे माफियाओं को उखाड़ फेंको मैं निवेदन करने आया हूँ। जो पिछले 20 साल की अराजकता से प्रदेश मुक्त हो, प्रदेश में जिस तरीके की अराजकता है, वो चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, वल्लभ भवन में 3-3 बार भ्रष्टाचार की जो फाइलें जलाई गई सर्वविदित है, जो मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, घर घर में इसका एहसास है, भ्रष्टाचार, महंगाई, कुपोषण, बच्चों की मौत, जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त, जिस तरीके से आप लाडली बहना के नाम पर चप्पल देने की बहनों के बाद, जिस तरीके से मिठाई देने की बात, जिस तरीके से जाती हुई सरकार ने बहनों को लालच देने की बात, ये सब बात सर्वविदित है कि घर घर में आक्रोश है। और इस जन आक्रोश के खिलाफ मध्य प्रदेश में 7 स्थान से कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को शुरुआत की। हमने मंदसौर से मालवा की, ये पावन जगह जहां से पशुपति नाथ जी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़े हैं,